वहाँ एक मेरे दोस्त है ओजा सिंह। अच्छा पंजा के। हाँ जी, ये तो साथ ही बैठे हैं। हाँ, तो मैंने सोचा भाई ये ओजा सिंह है, इनको टिकट मिल गया क्या? फिर मैंने एक इंक्वायरी किया, ये केवल कृष्ण वो है कानून गो, मैंने उनसे कानून गो, हाँ उनसे बात की भाई ओजा सिंह को टिकट मिला है। बोला जी वे पंजाब पुलिस से रिटायर इंस्पेक्टर है, उनको टिकट मिला है, इससे इनकी झाड़ू विधानसभा हलका है गुरु हर साहिब गुरु साहिब। हाँ जी, तो मैं बोला गुरु साहिब में तो ये पंजाब का भी लगता है, अमीर खास भी लगता है, और जलालाबाद दूसरा हो जाता है विधानसभा हलका दूसरा जलालाबाद। तो एक हमारे बाबा थे ये लक्ष्मण दास जी, इनसे हमारा बड़ा परिचय था। एक कुंदनलाल था, कुंदनलाल मुक्ति, एक और बाबा था, तीन थे बूढ़े, एक एक ही डेरे में। तो इनसे हमारा संपर्क इतना बना कि फिर मेरा पंजाब आने का विचार बन गया कि भाई बहती गंगा में उनसे मिलकाए, वो हमारे महकमे से रिटायर है, मैं इंस्पेक्टर कस्टम से हूँ पंजाब पुलिस से है, तो इंस्पेक्टर हमारे बेस्ट। अच्छा, उनकी सपोर्ट करने आए हो? ओजा सिंह सरारी जी की। अच्छा, आप प्रचार का काल का दिन रह गया है, ते आप उनसे मिलकर सपोर्ट करेंगे गांव गांव में जाकर? मैं कई गांव में घूमा, उन गांव में मैंने बोला भाई ये पार्टी ऐसी है, ये सबका भला चाहती है, हेल्थ में, एजुकेशन में, बिजली में, पानी में, दिल्ली को चमका रखा है केजरीवाल ने। तो अपने हल्के के ओजा साहब इंस्पेक्टर साहब को भी जिता के दे, चंडीगढ़ की विधानसभा में भेजो और अपने हल्के का नाम करो और एक सच्चे सेवक को भेजने का काम आपका काम है, और उससे आपके हल्के की प्रसन्नति बढ़ेगी। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, और मेरा जैसा भी यहाँ आने का भाइयों से प्यार होगा आता रहूंगा, दुआ सलाम वैसे भी करता हूँ। नहीं, आपका मोस्ट वेलकम जी, आप आए हो, हमें बहुत खुशी हुई है। और एक